ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाले शुभ संकल्पधारी वानप्रस्थियों को गॉडली मॉर्निंग। श्रीमद् भगवद गीता का परमात्म महावाक्य सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह और देह के सभी धर्मों को छोड़ एक मेरी शरण में आ जाओ। हम आत्माएं मूलतः अशरीरी ही हैं, लेकिन हम ये भूल गए। हमें अब अशरीरीपन का ही अभ्यास करना है और निराकारी बाप को याद करना है, योग बल जमा करना है ताकि हम औरों को भी तीर लगा सकें। आज ज्ञान सागर ज्योति बिंदु परमात्मा हम आत्माओं को स्वयं के यथार्थ स्वरूप की भक्ति में बनाए गए यादगारों की भी याद दिलाते हैं। शरीर धारण करके हम स्वयं को भूल गए, पिता को, घर को, सब कुछ भूल गए, देह के धर्मों में अटक गए, स्वधर्म को भूल गए। तो अब हमें अभूल बनना है, स्वयं का, बाप का, घर का, चक्र आदि का सारा ज्ञान हमें अपने भाई बहनों को भी कैसे समझाना है जानने के लिए सुनते हैं बाप के स्नेह की छत्र छाया में बैठ 6 जून 2023 की सच्ची सच्ची गीता। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, इस तरह से अशरीरी बनने की हमें मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं अशरीरी अर्थात कोई भी देह का धर्म नहीं, संबंध नहीं, वस्तु वैभव से लगाव नहीं, स्वभाव संस्कार पुराना नहीं, बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। तो इस तरह से हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना है। जब समय मिले, जब काम खत्म हो जाए, कर्मेंद्रियों से परे, शरीर से अलग, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? 100% बलशाली हम कब बनेंगे, क्या पुरुषार्थ करें? उत्तर में बाबा कहते, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। अपने अपने कैपेसिटी क्षमता के अनुसार सब 100% पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं ये कब होगा, याद की दौड़ी लगाते रहें। बाबा की याद से बल भरना है और जब हमारे पास योग बल जमा हो जाएगा,
अंतिम समय पर हम पहुंचेंगे, अपने एक्सट्रीम में पहुंचेंगे, बाबा कहते हैं उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा, माना हम संपूर्ण हो जाएंगे, अपनी अपनी यथाशक्ति क्षमता के अनुसार संपूर्ण हो गए और फिर सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं तीर लगेगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, लेकिन ये कब होगा? जब हम अशरीरी आत्माभिमानी देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करते हैं तब। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं, पुराने सारे विकर्म हमें बाबा की याद से चुकतु करना है, सारा अकाउंट्स क्लियर, पूरा हिसाब किताब चुकतु, दिल से पूछना है कि अब हमें इतना हल्कापन अनुभव होता है, मन भारी तो नहीं रहता, कोई संबंध खींचता तो नहीं, माना पुराना खाता समाप्त हो रहा है, कहीं आकर्षण नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं इस तरह से देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, चेक करो कि पुराने सब खाते भस्म हो गए हैं और याद की दौड़ी लगाते रहना है तो संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और तब समझाएंगे तो औरों को भी तीर लगेगा। गीत बजा। शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्फ आया हुआ है, अल्फ मना बाप, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, तो गायन भी है ना, बाप से एक सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, बंधन मुक्त अवस्था, तो ऐसी जीवन मुक्ति एक सेकंड में बाबा से ही मिलती है, मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है जीव आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। परमात्मा परमात्मा के आगे फिर और कोई विशेषण नहीं लगेगा। आत्माओं के लिए कहते हैं जीवात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा। तो बाबा कहते हैं नहीं, महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है। दो चीज अलग अलग हैं, मैं और मेरा, मैं आत्मा, मेरा शरीर, दोनों चीजें अलग हैं, मैं आत्मा, मेरा शरीर। जब मेरा शरीर कहते हैं माना मैं कुछ कोई अलग है, तो बाबा कहते हैं फॉर्म भराते हैं कि शरीर का बाप कौन, आत्मा का बाप कौन। तो अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्फ को जानना है, वह है ट्रुथ, सत्य है ना, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, तो वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर, वह सबका बाप है।
कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा हैं। कितने भी पढ़े लिखे हों, पद पोजीशन में हों, उनको ये नहीं पता कि हाँ आत्मा है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। सब अपने पद पोजीशन प्रोफेशन से अपना परिचय देते हैं, कहते हैं मैं जज, मैं सर्जन। आत्म अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। बाबा ही आकर बताते हैं ना कि तुम आत्मा हो, तो आत्म अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी यह सब शरीर के संबंध हैं। शरीर के संबंध में भी यह माँ, यह बाप आदि ये सब रिश्ते जो है जो वो लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई हैं। शरीर समझेंगे तो सब देह के संबंध हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा के संबंध में तो सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, ब्रदरहुड कहते हैं ना, भाईचारा। तो पहले तो यह समझाना चाहिए। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंध। यहाँ देखो बंधन महसूस करते हैं, कितना भारीपन है। और सतयुग में जीवन मुक्ति है, जीवन में रहते सुख का संबंध है, कोई बंधन नहीं, सब हल्के रहते हैं। और यहाँ देखो बाबा कहते हैं कलयुग में है जीवन बंध। यह भी समझाना पड़े तो यहाँ फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। फॉर्म में प्रश्न है तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो, तो वो भी सोचेंगे समझेंगे। सतयुग में है जीवन मुक्ति, हल्कापन, क्योंकि आत्माभिमानी अवस्था है। और कलयुग में सब देह अभिमान में है, इसलिए जीवन बंध अनुभव होता है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। ज्योतिर्लिंग है ना शिवलिंग, तो जरूर आया होगा ना। पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते, गॉड इज क्रिएटर। और हमने कितने सारे भगवान समझ लिए हैं। बाबा कहते दो भी नहीं हो सकते, तो क्रिएटर रचयिता तो एक होगा ना, दो नहीं हो सकते, गॉड इज क्रिएटर। वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था, गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। देखो कहते हैं ना वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो दुनिया भी एक, गॉड भी एक। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। प्राचीन भारत था ना पुराना, तो फिर नई दुनिया कैसे आई? किसी ने तो नया बनाया ना, तो बाबा ने बनाया, भगवान ने बनाया, नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है। तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, यह सब शरीर के धर्म हैं। पद पोजीशन, नाम मान शान, या जो भी हम देह के धर्म मानते हैं, रीति रिवाज, कर्म कांड करते हैं, ये सब क्या है? देह अभिमान है। तो बाबा कहते हैं यह सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं, सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई। और बाकी जब देह है तो देखो कितने सारे रिश्ते हैं, कितने संबंध हैं, तभी तो बंधन में समझते हैं ना खुद को, फंस गए बंधनों में। तो अब क्या करना है? सेवा का संबंध समझना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है, आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं, नया परिवार मिल जाता है। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है, फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो।
तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। आत्माओं से तो सिर्फ परमात्मा ही बात कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। ऐसे कोई बोले कि हमने किसी आत्मा से बात की तो सब समझेंगे भूत प्रेत है ना, उससे डर के ही भागेंगे। और हम आत्माओं से बात कौन करते हैं? सिर्फ परमात्मा बाप। देखो बाबा बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो ये सब बातें हम किसी को कहें तो लोग हंसी उड़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आत्माओं से बात परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, सोच भी नहीं सकते वो। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है, कह देंगे सब में ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अब यह अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं, हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं। देखो सब कहते हैं ना मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से परे जाना है, अब जन्म लेना नहीं है, चक्र में आना नहीं है। तो जिसकी जैसी समझ है वैसे बातें करते हैं। तो हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां से आए हैं पाठ बजाने, अब भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले पहले यह समझाना है आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, आत्मा अलग शरीर अलग। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, नॉलेजफुल, उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। सबका प्यार है ना भगवान से, प्यार के सागर परमात्मा से। भक्तों को कितना खींचते हैं, कितना आकर्षण है, देखो कितनी श्रद्धा है। तो भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं, पतित पावन को याद करते हैं, तो जरूर एक निराकार होगा ना, बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंच ते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है, जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमपिता परमात्मा भी स्टार है। तो आत्मा और परमात्मा में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, कैसे परमात्मा आत्मा से अलग है, ये बातें हमें समझनी हैं और औरों को भी समझानी हैं। तो बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है, जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब कुछ रिपीट होगा ना, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, सारे धर्म जो है वो फिर से आएंगे, सब चक्कर लगाते हैं। तो सब एक्टर पार्ट धारी हैं, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट बजाना ही है। पहले पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है, ड्रामा का भी समझाना है। आत्मा एक्टर है, पार्ट बजा रही है, जैसा पार्ट अभी बजाएंगे हर कल्प में ऐसे ही फिर बजाएंगे। तो ये सब बातें समझनी है, समझानी है। बाबा कहते हैं उससे पहले ये बताओ कि आत्मा कौन और आत्मा का बाप कौन। आप आत्मा हो और सबका पिता परमात्मा है, तो बताओ आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है। अब इतना सा भी बताएंगे, कितने प्रश्न होते हैं ना, कितनी बहस होती है। बाबा कहे ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना, डिबेट नहीं करना, है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। जिसको समझ में आएगा एक सेकंड में समझ में आएगा, कोई भी चीज़ एक सेकंड में ही होती है ना, क्योंकि उसके पिछले सेकंड में वो नहीं होती है, और जब होती है तो बस उस समय होती है, तो एक ही सेकंड लगता है। तो बाबा कहते हैं जब समझ में आएगा
स्कूल के होंगे वैसे ही बाबा बोलते हैं ना, उनको ही समझ में आएगा, उनको ही खींच होगी। तो बाबा कहते हैं बता दो लेकिन डिबेट नहीं करो, है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम दे ही अभिमानी बनो, इस समय यह पतित दुनिया है, गॉड फादर को न जानने कारण ऑर्फन बन पड़े हैं। अपने पिता को नहीं जाने तो अनाथ अनुभव करते हैं, सतयुग में तो प्रलब्ध भोगते हैं, वहाँ बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। दुनिया को यह पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रलब्ध मिलती है, भारत स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग में तो परमात्मा अभिमानी तो नहीं होते ना, आत्म अभिमानी होते हैं, तो बाबा को भूल जाते हैं। नर्क बनाने वाली है माया, रावण। भारत स्वर्ग बन जाता है फिर उसको नर्क कौन बनाता है? रावण, माया, विकार। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे, वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा, पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह भी कोई समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो, बाप मना, बाप के तो बने हो, बाप मना, बाप, बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, थोड़ा थोड़ा लगता है कि भगवान पढ़ाते हैं। हाँ कभी होता है निश्चय कि कोई बोल रहा है, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, कभी तो ऐसा लगता है, तो ये कभी कभी होता है क्या, आधा पौना है क्या बाप? मानते हैं तो मानते हैं, निश्चय है तो पूरा है, 100% है, इतने परसेंट निश्चय है, माना कुछ परसेंट नहीं है तो फिर निश्चय नहीं है ना, तो उसको निश्चय है कैसे कहा जाएगा? तो बाबा कहते हैं कि आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, भगवान पढ़ा रहे हैं, अनुभव हो रहा है, माना है, पूरा है, 100% निश्चय। बाबा कहते हैं बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है, मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है, क्योंकि शरीर की, देह अभिमान की इतनी आदत हो गई कि खुद को आत्मा अलग हम सोच ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, उस स्वरूप में टिक ही नहीं सकते, याद ही नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मेहनत करनी है, अशरीरी बन बाप को याद करना है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है, याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो, याद का ही बल है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंद, 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, वहाँ यह होता नहीं, बाप आकर लिबरेट करते हैं, रावण की जंजीरों से हमें छुड़ाते हैं। रावण की जंजीरों से देखो सीताएं मुक्त हो जाती हैं, आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। सच्चा सच्चा राम शिव बाबा परमात्मा। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, है ना, सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी, इतनी असीम शांति, सुख, ऐश्वर्य, वैभव अब नहीं है, तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा। इतनी शांति कहाँ से आई, सुख कहाँ से आया, तो सुप्रीम फादर ने स्थापन किया, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं, बाकी सब धर्म तो बायप्लॉट्स हैं, यह भारत ओल्ड है। मुख्य कहानी, मुख्य धर्म क्या है जो बाबा बताते हैं? सतयुग त्रेता, है ना, बाकी धर्म तो बाद में आते हैं द्वापर से, वो तो सब बाई प्लॉट्स हैं, मेन क्या है जो बाबा स्थापन करते हैं, भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है, मेन प्लॉट, मेन धर्म। तो बाबा कहते हैं वो स्वर्ग, तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे, पहले ही बोल दो कि हम नहीं बोल रहे, भगवान ने जो कहा है वो हम आपको बता रहे, तो बहस की बात ही नहीं है। बाप तो सत ही बताते हैं, अब परमात्मा तो, भगवान तो सत्य ही बताएंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड कहते हैं ना,
तो उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था। ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ। ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, यह यज्ञ रचा है ना। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्रमाला। बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है, यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। बच्चे, हम तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। श्री कृष्ण कैसे बने, 16 कला संपूर्ण कैसे बने, तो परमात्मा से उन्होंने राजयोग सीखा, पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं तुम भी श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे, माना जो साधु सन्यासी हैं बाबा कहते हैं उनको भी समझा सकेंगे। तो पहले खुद समझेंगे, संपूर्ण बनेंगे, संपन्न बनेंगे, बाप की याद में रहेंगे, सेवा करेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, तब तो किसी को समझ में आएगा, तब मानेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, देख रहे हैं इस समय तो सब आ रहे हैं, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है, संपूर्ण बनने की रेस करनी है, याद की रेस करनी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है, फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो। पतित पावन परमात्मा तो एक ही है, तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है, एक जैसी है ना, ज्योतिर्बिंदु है, देखो सभी ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु। तो कहां आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है। बाकी ऐसे नहीं, आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। आम के बीज से अमरूद का पेड़ थोड़ी निकलेगा, तो मनुष्य आत्मा, मनुष्य आत्मा ही है, मनुष्य के रूप में जन्म लेगी। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। जानवरों जैसे हमारे संस्कार हो सकते हैं, कहते हैं ना कैसे बंदर जैसे संस्कार है, कैसे कुत्ते जैसे कर रहे हो, तो ये सब संस्कार हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। जानवरों की वैरायटी अलग है, इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हैं, देखो कितना गिर गया इंसान। माया ने खाना खराब कर दिया है ड्रामा अनुसार, अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। कैसे बदतर हो गए हम, अपने स्वभाव संस्कार कमी कमजोरी की वजह से, आसुरीपन के वजह से खाना खराब हो गया, माना जीवन ही खराब हो गया। फिर बाबा आकर खाना आबाद करते हैं, जीवन बनाते हैं, पुनर्जन्म, माना क्या, द्विज ब्राह्मण, एक शरीर में रहते ही मर्जीवा जन्म, ये पुनर्जन्म, एक शरीर में ही दूसरा, तो हमारा जीवन आबाद होता है, खाना आबाद होता है। कैसे, श्रीमत पर चलकर, बाप की याद की रेस में आगे जाकर। परमात्मा को मात पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, ईव कहते हैं, परंतु वह कौन है।
ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है, ईव इनको ही कहेंगे, ब्रह्मा बेहद की माँ इनको ही कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे, तब तो तुम मात पिता सिद्ध हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, जब ऐसे कहते हो ये कैसे सिद्ध होगा? माना शिव बाबा पिता और ब्रह्मा बेहद की माँ, तब ये बात सिद्ध हो सही है। एक को ही मात पिता कहा जाता है, माना निराकार रूप में शिव बाबा और फिर साकार तन में आते हैं तो मात पिता। तो जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण हो कब? कब धारण होंगी? बाबा कहते यह सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें, आत्मा समझेंगे, खुद का अनुभव करेंगे, तब ये बातें समझ में आएंगी। बाबा कहते हैं इसलिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती, माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है। कल थी ना अंगूरी दांव पेच की बात, तो मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बना करके आए हो? लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो तुम लायक हो। सबको पद कौन सा चाहिए? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। चेक करो, खुद को देखो, बनने लायक हैं? क्या चाहिए? बाप मिसल मीठे बने हो, बाबा के समान हैं मीठे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा, याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद, योग अग्नि उसमें ही तो बाबा कहते हैं विकर्म भस्म होंगे ना, तो योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है, बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है, परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो, मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। बाबा तो गर्भ से नहीं जन्म लेते ना, अवतरण होता है बाबा का, तो मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तुम मात पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अभी परमपिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फॉर्म भराओ। बाबा कहते हैं उससे पता लग जाएगा किसकी कितनी समझ है, फिर उस हिसाब से सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है, यह यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे, परमात्मा तो है ज्ञान सागर, सबका फादर। तो ये बात बतानी है। अभी क्या मान रहे हैं सब, मैं भी फादर तू भी फादर, इसलिए कोई नहीं कर रहा किसी का आदर। मैं भी परमात्मा तू भी परमात्मा, कर रहे हैं एक दूसरे का खात्मा। तो ये बताओ कि आत्मा अलग परमात्मा अलग, हम बच्चे अलग बाप अलग, तो ये बातें बतानी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह पक्का करना है, बाप मिसल मीठा बनना है। दूसरा, देही अभिमानी बन बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है, डिबेट किससे भी नहीं करनी है। बाबा कहते कभी भी बहस नहीं करो किसी से।
वरदान है। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, भक्ति में कहते हैं, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। हिम्मत हो, उत्साह उमंग हो तो धूल भी धन बन जाता है। इतना पुरुषार्थ करते हैं कि मिट्टी से भी सोना निकाल सकते हैं, मिट्टी को ही सोना बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, बाबा कहते हैं सब सहयोग भी करते हैं, धन भी आ जाएगा और सफलता भी मिलेगी। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। देखो सीनियर्स ने क्या किया, उमंग उत्साह में रहे, एक बल एक भरोसा, और फिर कितनी आसानी से सेवा बढ़ती गई, सहयोग मिलता गया, बाबा की दुआएं मिलती गई। क्या करना है, सिर्फ उमंग उत्साह में रहना है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाए तो बाबा तो मदद करते ही हैं, सबका सहयोग भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। अभी वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, जैसी अवस्था है, वही तो जड़ चित्रों में दिखाई है ना। तो अभी हंसता मुस्कुराता शक्तिशाली हिम्मत वाला चेहरा है, व्यक्तित्व ऐसा है, इसलिए देखो जड़ मूर्तियां भी वैसी बनाई हैं और आज सब पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारी ही यादगार है। तो सदा उमंग उत्साह में रहना है, हिम्मत रखनी है। स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। देखो बाबा तो छत्र छाया चाहते हैं कि सब बच्चे छत्र छाया में बैठे, सबके ऊपर है, बाबा ने तो फैला रखी है छत्र छाया कितनी विशाल, लेकिन हम बच्चे ही उस छत्र छाया से निकल भागते हैं, छोड़ देते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। तो ये क्या है, अपने ही भाग्य को लकीर लगाना। कितने भाग्यवान हैं हम कि बाबा ने हमें चुना है। तो फिर श्रीमत अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है और बाप की आश पूरी करनी है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, अशरीरी, अब घर जाना है, अशरीरी बाप को याद करना है। भूल गए हम खुद को, हम देह समझने लग गए। तो बाबा कहते हैं सभी दैहिक धर्मों को छोड़ो, संबंधों को छोड़ो और अशरीरी बन के बाबा को याद करो। दूसरा है जीवन बंध, जीवन मुक्ति। कलयुग में है जीवन बंध क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं, और सतयुग में है जीवन मुक्ति, आत्माभिमानी अवस्था, देही अभिमानी। तीसरा है खाना खराब और खाना आबाद। तो किसने हमारा जीवन खराब कर दिया, माया ने, हमारे कमी कमजोरी विकारों ने, बाबा आकर हमारा जीवन आबाद करते हैं। पांचवा है हिम्मत व उत्साह। तो सदा उमंग उत्साह में रहना है, हिम्मत रखना है। पांचवा है परमात्म स्नेह की छत्र छाया, बाबा की छत्र छाया में सदा सेफ एंड सिक्योर। ओम शांति। समर्पण है आत्मा।
चल कर ले मिलन।